भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम 2 दिन पहले ही हैदराबाद में लैंड कर चुकी है। पाकिस्तान को यहीं अपने 2 वार्म अप मैच खेलने हैं और इसके बाद पाकिस्तान का ओपनिंग मैच भी हैदराबाद में ही होना है। हैदराबाद पहुंचते ही पाकिस्तानी टीम का शानदार स्वागत हुआ। होटल में भी खिलाड़ियों की अच्छी तरह खातिरदारी की गई। इससे बाबर एंड कंपनी काफी खुश नजर आ रही थी और इन सब का इजहार उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तो भारत में मिल रहे प्यार की अच्छी तारीफ की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जक्का अशरफ ने तो भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने भारत को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। दरअसल एक वीडियो में वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि ज्यादा पैसे मिलने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा, जिससे वो अगर दुश्मन मुल्क या किसी और देश में खेलने जाएंगे तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। उनका सीधा निशाना भारत की ओर था। पिछले काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन जक्का अशरफ के ये कड़वे बोल इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान और भारत की दोस्ती कभी नहीं चाहते। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ हिमायत बरतनी चाहिए?